फिर मिलते हैं संबलपुर में। ये रास्ते में थोड़ा सा हम लोग को अनकंफर्टेबल लगा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम हैदराबाद से रिटर्न घर जा रहे हैं, बट डायरेक्ट नहीं जाएंगे, बीच में जगदलपुर में रुकेंगे। तो पहला स्टॉपेज होगा हमारा जगदलपुर। तो अभी टाइम हुआ है 6:15, थोड़ा सा रेडी वेडी हो गए हैं, सामान वगैरह सब पैक करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी हम रेडी होके बाहर निकल चुके हैं, साइड में नीरज, अभी नीरज को अलविदा करते हैं। थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। इधर राज भी रेडी हो गए हैं, फिर मिलते हैं संबलपुर में। मिलते हैं संबलपुर में। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे जगदलपुर। अभी हम हैदराबाद शाम से निकल चुके हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं हाईवे में। उसके बाद यही रास्ते में जाएंगे हम, ब्रेकफास्ट में हम लोग इडली खा रहे हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। बहुत स्पाइसी है, अच्छा है, खाना पड़ रहा है हमको, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी हम वारंगल क्रॉस किए, जाएंगे जगदलपुर, और 396 किलोमीटर शॉर्ट वेट लिए थे। अभी हम पहुंचे हैं अमुची बस्तर ढाबा, थोड़ा सा खाने के लिए रुके हैं, और जगदलपुर के लिए 37 किलोमीटर यहाँ पे थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद जगदलपुर जाएंगे। बट ये रास्ते में थोड़ा सा हम लोग को अनकंफर्टेबल लगा, जैसा कि मालकानगिरी रास्ता में बहुत अच्छा था, बीच बीच में थोड़ा सा रास्ता अच्छा नहीं था। तो आप लोग जा रहे हो हैदराबाद, तो मैं सजेस्ट करूँगा मालकानगिरी रास्ता देख ही जाना। तो अभी चलते हैं यहाँ पे ढाबा के अंदर और खाएंगे कुछ और आगे जाना। यह है अमुची बस्तर ढाबा। ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये तंदूर रोटी, अभी टेस्ट करते हैं। क्या क्या थोड़ा बेटा, चिकन का टेस्ट आ रहा है, शायद तक इसमें ग्रेवी चिकन का डाला गया है, कि इसका स्टाइल ऐसा होगा क्या पता। बहुत अच्छा लगा। ढाबा से खा के निकल चुके हैं और बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा देख लो, आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो। अभी हम जाएंगे ये रास्ते में जगदलपुर और 37 किलोमीटर। खाना भी अच्छा लगा हमको, तो चलिए जगदलपुर चलते हैं और होटल वगैरह बुक करके वहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम पहुँच गए जगदलपुर, रुकने वाले हैं जेस गेस्ट हाउस में। पहले चलते हैं अंदर, प्राइसिंग वगैरह देखते हैं, और उसके बाद जगदलपुर भी थोड़ा सा घूमने के लिए निकलेंगे। और रूम कुछ इस प्रकार है, 700 में तो सही है। हम कुछ इस प्रकार है, हम जगदलपुर जा रहे हैं थोड़ा सा फूड एक्सप्लोर करने के लिए। अभी चलते हैं टाउन की तरफ, देखते हैं। आज वैसे ही संडे है, तो संडे का शाम सब बंद रहता है, बट देखते हैं क्या है खुला है। ये जो खुला रहेगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी हम जगदलपुर का चौपाटी में है, जो शहीद पार्क के साइड में है। ये चौपाटी में ये सब चाट पाव भाजी मिठाई वगैरह सब है। ये हम छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने के लिए आए हैं, गुड़ कलेवा। ये आ गया है फरा, ये एक ट्रेडिशनल फूड है छत्तीसगढ़ का। स्मेल से तो लग रहा है ये फ्राइड इडली जैसा, बट अभी टेस्ट करके देखते हैं। ये फरा, उसके साथ है टमाटर चटनी। टेस्ट करके बताओ व्यूअर्स को कैसा है, उसके बाद मैं भी टेस्ट करके बताऊंगा। अच्छा, डिफरेंट टेस्ट है। ये फरा, ये टमाटर चटनी, टेस्ट करते हैं कैसा है। स्मेल से तो लग रहा था फ्राइड इडली जैसा, बट डिफरेंट है, जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है, बट यूनिक है ये फूड।
नाम से भी तो यूनिक लग रहा है, फरा फरा फरा। ये भी एक ट्रेडिशनल फूड है छत्तीसगढ़ का, वो भी टेस्ट करें। अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ गाजा। अंदर क्या है देखो, नारियल और सम क्या है इसको बोलते हैं कि पुस्तुक हमारे संबलपुरी भाषा में, वही का मिक्सचर है, बट स्वीट है ये, बट समथिंग यूनिक है, अच्छा लग रहा है। मैं गलती से बोल दिया था ये पुस्तुक बोल के, ये सूजी है, नारियल और सूजी का मिक्सचर। तो विराट टेस्ट कर रहे हैं गुपचुप जगदलपुर का, बेस्ट। ये राज ऑर्डर किए हैं आलू टिक्की चाट, ये टेस्ट करके बताएंगे कैसा है, क्योंकि मैं तो ये टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो राज को रिव्यू लेते हैं कैसा है। अच्छा आने तो ट्राई करना जरूर। अभी हम वापस रूम आ चुके हैं और वही था बस आज के लिए, तो ट्रेडिशनल फूड में ट्राई किया। कल का प्लान ये है कि जाएंगे एक वाटरफॉल देखेंगे, उसके बाद रिटर्न वापस संबलपुर, बट सोचे हैं ऐसा, बट देखते हैं कल क्या होगा, कल किसने देखा है। मैं आप लोगों को सुबह अपडेट करके बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, बट रिटर्न वापस संबलपुर कल जाएंगे वो गारंटी है। और हाँ संबलपुर अपना घर है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, जय माँ संबली, टिल देन ओके बाय बाय। वापिस हमारा उल्टा के नाउ वी आर इन अंबानी हटी, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है, अभी हम पहुँचे हैं रानीपुर हरियाणा।